और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रकार का बर्ताव राजस्थान के अलवर में हुआ है। मंगलवार की रात को एक गाड़ी से कुछ लोग आते हैं एंड दे लीव अ ब्लीडिंग दिव्यांग ऑन द स्ट्रीट। सड़क पर खून से लथपथ एक लड़की को छोड़ के जाते हैं और जब गौर से देखा जाता है तो मालूम पड़ता है कि ये जो लड़की है, जो पीड़िता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत गहरी चोट है, जख्म है और वो खून से लथपथ थी। आनन पानन में उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है और आज राजस्थान की वो नन्ही सी बेटी आईसीयू में अपने जीवन से लड़ रही है। वहां वो लड़ रही है। जान के आश्चर्य होता है, जान के दुख होता है, किन हाथों के लोग में कांग्रेस की राजनीति है। आप जानते हैं, जब अलवर में इस प्रकार की विभत्स घटना घट रही थी तब प्रियंका वाड्रा, जो अपने आप को चैंपियन ऑफ महिला कहती है, प्रियंका वाड्रा वहीं मौजूद थी। प्रियंका जी का जन्मदिन था, वो अपने पति श्री वाड्रा जी के साथ रणथंबोर की जंगलों में मौजूद थी। वो वहां अपने जन्मदिन मनाने के लिए प्रस्तुत थी, रणथंबोर में थी। भारतीय जनता पार्टी की ये टीम, जिसमें हमारे कुछ सांसद, वरिष्ठ कार्यकर्ता, जब उन्होंने अलवर के इस घटना के विषय में सुना, देखा, जाना, तो तुरंत वो प्रियंका जी से बात करने के लिए रवाना हुए। अलका गुजर जी भी उसमें थी, मगर दुखद है, प्रियंका जी से मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि वो अपना जन्मदिन मना रही थी और हमारे इस टीम को वापस कर दिया गया। ये टीम सिर्फ इतना बात करने गई थी कि प्रियंका जी, आप अपने मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगिए। प्रियंका जी, ये राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, महिलाओं के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार आखिर दिनों दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? ये जो बेटी है, जो निर्भया है राजस्थान की, उसको किस प्रकार से हम अस्पताल में अच्छे से अच्छा चिकित्सा दिलवा सके, सुविधा मुहैया करा सके, केवल इसलिए ये टीम गई थी। किंतु प्रियंका वाड्रा व्यस्त थी, शी वॉज बिजी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। और प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी ने साफ इनकार कर दिया कि बिकॉज शी इज बिजी विथ हर बर्थडे, वो अपने जन्मदिन में व्यस्त है, वो किसी से मिल नहीं सकती है। आज सवाल उठता है, प्रियंका जी, क्या आप राजस्थान में राजस्थान की बेटी निर्भया से मिलने गई? आप तो पूरे देश में जहां भी अन्याय और अत्याचार होता है, आप और राहुल गांधी तो हर जगह मिलने जाते हैं लोगों से। आप गले लगाकर तस्वीर भी वायरल करते हैं, करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। पीड़िता के साथ खड़ा होना, उसके लिए न्याय का गुहार करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसीलिए तो लोग राजनीति में होते हैं। किंतु चयनात्मक राजनीति करना, दूसरे राज्यों में जहां आपकी सरकार नहीं है, वहां जाकर के आप पीड़िता के फोटो को गलत तरीके से वायरल करना, राहुल गांधी जी ने दिल्ली में किया था, बाद में कोर्ट ने भी फटकार लगाया। किंतु अपने राज्य में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है और आप अपना जन्मदिन मना रहे हो और तनिक दूरी पर एक महिला के साथ जघन्य विभत्स रेप होता है, एक छोटी बालिका के साथ रेप होता है, वो आईसीयू में भर्ती है, आप एक दिन भी आईसीयू में जाकर उसे देखने की चेष्टा तक नहीं करते? प्रियंका जी, आप आईसीयू गई क्या? क्या आपने प्रयास भी किया कि आप रणथंबोर में ही थी, 200 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है, आप गई क्या? पीड़िता के घर गई क्या? पीड़िता के विषय में आपने मुख्यमंत्री से पूछा क्या? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से रिपोर्ट तलब किया क्या? प्रियंका जी, ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश में जाकर आप कहती हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, किंतु राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है? उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं, राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है? चुप रहना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है। प्रियंका जी, आज आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपने अपना बर्थडे मना लिया हो और आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही हैं, तो बड़े ही आदर पूर्वक मगर बहुत सख्ती के साथ आज हम कहना चाहते हैं, प्रियंका जी, आपने ये कॉल दिया, आपने ये आह्वान किया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, किंतु आज हम कहना चाहते हैं, वास्तविक रूप में आप
कांग्रेसी हैं और केवल राजनीति कर सकती है, केवल राजनीति। और इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर राजनीति करना, उस पर आधारित करके अपने आप को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ये जो प्रियंका वाड्रा और गांधी परिवार कर रहा है, ये अक्षम्य है। दिस इज अनफॉर्गिवेबल। महिलाओं के लिए, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना, ये हर किसी का धर्म है। किंतु महिलाओं के अत्याचार को सामने रखते हुए, महिलाओं के अत्याचार का इस्तेमाल करते हुए, उसको राजनीति का धुरी बना करके अपने महत्वाकांक्षा को साधने की कोशिश करना, जो कि गांधी परिवार कर रही है, राहुल और प्रियंका कर रहे हैं, ये अक्षम्य है। दिस इज अनफॉर्गिवेबल। और हिंदुस्तान इसे माफ नहीं करे। उन्नाव में तो आप राजनीति कर रहे हैं, मगर ये जो पूरा विषय अब बनता जा रहा है, उन्नाव वर्सेस यहानाव, उन्नाव में आप राजनीति करेंगे, हमने कभी कुछ नहीं कहा। ठीक बात है, जिन विषयों को सामाजिक रूप से उठाना चाहिए उठाइए, लोकतांत्रिक देश, मगर उन्नाव आप जा सकती हैं, मगर राजस्थान में यहां ना आओ। उन्नाव वर्सेस यहां ना आओ, ये हिंदुस्तान देख रही है और हिंदुस्तान इसका जवाब देगी। और राहुल जी, जैसा कि मैंने कहा, आपसे तो सवाल पूछना उचित भी नहीं है, क्योंकि आप तो स्वयं मानते हैं कि आप फेल हो चुके हैं और आप उत्तर प्रदेश के मैदानी जंग को छोड़ करके, खैर अभी मेरे ख्याल से विदेश से वापस आए हैं 2-3 दिन पहले, मगर फिर भी राहुल जी, आपने दिल्ली में तो फोटो ट्वीट किया, नाम तक बता दिया, परिवार वालों के फोटो को ट्वीट करके वायरल किया, कोर्ट ने इस पर लताड़ भी लगाया, आप अलवर जाएंगे क्या राहुल जी? प्रियंका जी से बात करके बताइए राहुल जी, आप अलवर जाएंगे क्या? महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसका एक और खुलासा कल मीडिया चैनलों के माध्यम से हुआ है। रीता यादव नामक एक महिला जो लंबुआ विधानसभा से शायद कांग्रेस की टिकट मांग रही थी, सुल्तानपुर से, कल हम सब ने चैनल मूव देखा और बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी हो सकता है, खुद पे गोली चलाना। याद करिए, जब प्रधानमंत्री की रैली में इसी महिला ने काला झंडा दिखाया था, तब प्रियंका वाड्रा इस महिला के घर गई थी, उनके घर जाके प्रियंका वाड्रा ने उसके साहस की भूरी भूरी तारीफ की थी। बाद में जब इनके ऊपर गोली चली, तो प्रियंका और राहुल दोनों ने ट्वीट किया था कि ये तो बीजेपी का कारनामा है। और आज जब हकीकत सामने आया है कि गोली खुद पे चलाया गया था, कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस की कार्यकर्ता के ऊपर गोली चला करके एक सिंपति वेव क्रिएट करने की कोशिश की थी, तो आज भारतीय जनता पार्टी प्रियंका वाड्रा से और राहुल गांधी से सवाल पूछती है, गोली आपने चलाई थी क्या? उस समय अगर आपको लग रहा था कि गोली हमने चलाई थी, आज जब सच्चाई सामने आ चुका है कि गोली खुद पे चलाया गया था, किसके कहने पर गोली चलवाई गई थी, क्या प्रियंका जी ये सुझाव आपका था या ये सुझाव राहुल गांधी का था? महिलाओं के ऊपर गोली चलवाना, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का राजनीतिक इस्तेमाल करके अपने पार्टी को आगे बढ़ाना, मुझे लगता है इस प्रकार की राजनीति से हर पॉलिटिकल पार्टी को बचना चाहिए, और इस प्रकार के चरित्र को कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, यह उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो अवश्य पूछे। तो संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे प्रियंका गांधी से सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि जब प्रियंका गांधी रणथंभौर में अपना जन्मदिन मना रही थी, उसी वक्त अलवर में पीड़ित से गैंगरेप हो रहा था, उसके बाद क्या उनको वक्त नहीं मिला कि अलवर की गैंगरेप पीड़िता के घर जाती, उससे उसका हालचाल पूछने अस्पताल जाती? उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में उन्नाव का नाम लिया कि जाती हैं, लेकिन राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को वक्त नहीं मिलता गैंगरेप पीड़ित के घर जाने का, उसकी हालचाल जानने का। संबित पात्रा ने सीधे सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी अब विदेश से लौट आए तो क्या वे राजस्थान में अलवर की गैंगरेप पीड़िता से मिलने जाएंगे, उसका हालचाल जानने जाएंगे? राजस्थान में बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर क्यों चुप है गांधी परिवार? किन हाथों में है कांग्रेस की राजनीति? ये भी सवाल पूछा है संबित पात्रा ने। सीधा हमला किया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर संबित पात्रा ने, और कई तीखे सवाल पूछे। कांग्रेस की सरकार है इसलिए वहां पर गैंगरेप पीड़िता से मिलने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं जा रहे।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।